हेलो एंड वेलकम, आप देख रहे हैं रूटर। मैं हूं आपके साथ आस्था। इंडिया ने वेस्ट इंडीज के खिलाफ पहला टेस्ट मैच जीत लिया है। मैच के कई रिव्यूज और प्रीव्यूज तो आपने सुने, देखे, पढ़े होंगे, लेकिन यहां जरा अलग अंदाज में देखिए। विश्व टेस्ट चैंपियनशिप में भारत की हुई है शानदार शुरुआत। पहले टेस्ट में विंडीज को 318 रनों से दी है करारी मात। पहली इनिंग्स में 2 रन पर आउट हुए स्टार प्लेयर पुजारा और कोहली भी 9 रन के आगे नहीं बन पाए अपनी टीम का सहारा। ऐसे में वाइस कैप्टन रहाणे ने टीम की कमान संभाली और धीरे धीरे 81 रनों के खेल गए इज्जतदार पारी। उधर वेस्ट इंडीज के गेंदबाजों का था क्या कहना। केमा रोच ने 4 विकेट लेकर मुश्किल कर दिया था इनका जीना। खैर, भारतीय गेंदबाज भी थे पूरी तरह अपनी बारी के लिए तैयार। 5 विकेट लेकर ईशांत शर्मा ने किसी भी बल्लेबाज को नहीं जाने दिया 50 के पार। दूसरी इनिंग्स में अजिंक्य रहाणे फिर पड़े वेस्ट इंडीज गेंदबाजों पर भारी। 102 रन बनाकर फिर निभाई उपकप्तान की जिम्मेदारी। 93 रनों के साथ हनुमा विहारी भी रहे सफल बल्लेबाज। नहीं टूटने दिया कप्तान कोहली का उन पर से विश्वास। लेकिन इस बार गेंदबाजी में स्टार प्लेयर रहे जसप्रीत बुमराह, क्योंकि सिर्फ 7 रन और 5 विकेट लेकर विंडीज बल्लेबाजों को किया गुमराह। 27 ओवरों में 100 रन पर ही सिमट गई जेसन होल्डर की टीम और इस तरह भारत को पहले टेस्ट में मिली 318 रनों की बड़ी जीत। इसी के साथ विराट कोहली के नाम हुए कई नए इतिहास हैं। विदेश में भारत की टेस्ट में सबसे बड़ी जीत का रिकॉर्ड अब कैप्टन कोहली के पास है। गांगुली को पीछे कर अवे टेस्ट मैचेस में बने सबसे सफल कप्तान हैं और टोटल टेस्ट मैचेस की जीत में भी खड़े धोनी के साथ हैं। तो ये था भारत के पहले टेस्ट मैच का पूरा लेखा जोखा। क्या अगले मैच में विंडीज को मिलेगा आखिरी मैच जीतने का मौका, या कोहली के धुरंधर फिर करेंगे कैरेबियाई खिलाड़ियों का काम तमाम और इस तरह से टूर को पूरी तरह से इंडियन टीम कर लेगी अपने नाम। आप देखते रहिए रूटर। मेरे यानी आस्था की तरफ से आप सबको सलाम।